डियर फ्रेंड्स आज देखिवा एन इंग्लिश फ्रोश ए लेटर टू गॉड भगवान को पाख को गोटे चिठी ए लेटर टू गॉड व्हिच इज रिटन बाय ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस द्वारा लिखित ए लेसन चलंतु प्रथमे देखिवा लेखकों ऊपर ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस जी की जन्म होते इन 1895 एंड डाइड इन 1966 1895 मसीह जन्म 1966 मसीह मृत्यु हि वाज ए मेक्सिकन नोवलिस्ट मेक्सिकोर जड़े नोवलिस्ट थे सी औपन्यासिक नोवलिस्ट मीन्स औपन्यासिक दैट मीन्स वन हु राइट्स नोवेल्स जे नोवेल लिखे ताको आम कह नोवलिस्ट एंड हि वाज आल्सो ए पोएट आउरी से जड़े थे गोटे कवि एंड हि वाज आल्सो ए जर्नालीस्ट आउरी से थे जड़े सांबादिक हि स्टार्टेड राइटिंग एट द एज अफ 15 हि स्टार्टेड राइटिंग से आरंभ करते लेखा एट द एज अफ 15 15 वर्ष बयस लेखा आरंभ करते व्वेन मेक्सिकन रिवल्यूशन बिगन आ ठीक से बेले मेक्सिकोर रिवल्यूशन आरंभ होता विप्लव आरंभ होता मेनी अफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू दि सिब्ली कम्प्लीट आउ मेनी अफ हिज बुक्स अधिकांश बही आर रिलेटेड संपर्क रही का सहित तो? ना सिविल कॉन्फ्लिक्ट सहित तो? आभ्यंतरीण द्वंद सहित तो? हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग आर समस्त स्टोरी अति एक्साइटिंग रोमांचकर एंड ह्यूमरस हास्यरसात्मक आउ मेनी अफ हिज वर्कस आर कनसर्ण विथ दि अप्रेसन्स अफ आमेरिकन्स एंड मेनी अफ हिज वर्कस आर समस्त लेखा अधिकांश लेखा आर कनसर्ण वर्णित होपर दि अप्रेसन अफ आमेरिकन्स आमेरिक मानकर अत्याचार उपर आधारित अत्याचार सहित वर्णित लेखा हि वाज आवार्डेड दि नेशनल प्राइज अफ आर्ट्स एंड सैंस इन 1935 हि वाज आवार्डेड पुरस्कृत करा पुरस्कृत कौन पुरस्कृत करा नेशनल प्राइज अफ आर्ट्स एंड सैंस कला और विज्ञान जातीय पुरस्कार पाई सी इन 1935 1935 मसीह डियर फ्रेंड्स लेट्स गो टू दि टॉपिक चल आम टॉपिक टू जीवा देखिवा ए लेटर टू गॉड से कौन वर्णना करिसंती द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल तार अर्थ हला द हाउस घरटीए द ओनली वन एकमात्र घर इन द एंटायर वैली टोटल वैलीटारे एंटायर मीन्स कम्प्लीट कम्प्लीट वैली रे कम्प्लीट उपत्यकाटी रे केवल गोटे मात्र घर थिला सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल क्रेस्ट मीन्स द टॉप और द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए हिल गोटे पहाड़ शीर्ष भाग तो यही जो घर टी थिला कोटे सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल गोटे पहाड़ शीर्ष भाग रे थिला जो एकमात्र घर फ्रॉम दिस हाइट आउ से घर उपरे रही जने कौन करी पारुथिला से घर पाखर जने कौन करी पारुथिला वन वुड सी जने देखि पारुथिला द रिवर्स एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट तार अर्थ वन वुड सी द रिवर्स से ऊपर रही से रिवर्स देखि पारुथिला तळे थिबा आउ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स पाचिला शस्य आसुथिबा खेत को मध्य लक्ष्य करि पारुथिला
डॉटेड विथ दैट मीन्स स्केटर्ड ओवर विक्षिप्त भाव में पड़ा विक्षिप्त भाव में आसीथिबा ए ड्राइव कॉन्स विथ द फ्लावर्स आहरी अति सुंदर फूल आसीथिला दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट आउ जो फुलरु धरा पड़ूला जे ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट आम जानचे भल अमल आसवार प्रतिश्रुति दौला जो फूल तार अर्थ है जदि आम कि शस्य लगे देखा जदि आमर फूल जदि भल आसुची निश्चित अमल भल हम द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर द ओनली थिंग किंतु गोटे मात्र जिनिष द अर्थ नीडेड ये पृथ्वी ए जो माटी दरकार करूला वाज ए डाउनपोर दैट मीन्स असराय वर्षा दरकार करूला एटलिस्ट ए सावेर गोटे असराय वर्षा चाहूला माटी ए पृथ्वी थ्रो आउट दि मॉर्निंग थ्रो आउट मीन्स टोटल मॉर्निंग सारा सका जमी सका पूरा संपूर्ण सका लेंचो दैट मीन्स द नेम ऑफ द फार्मर ये फार्मर जनक जार ना हूँ लेंचो हु न्यू हिज फील्स इंटीमेटली एक लयरे चाह रहा समस्त जमी को तार अति निकटर परखी नेला एंड हेड डन नथिंग एल्स किंतु किछि करि परिला नाही बट सी द स्काय टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट आउ चाहि रहिला स्काय आकाश को टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिग को चाहि रहिला आकाशर उत्तर पूर्व दिग को चाहि रहिला नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन तापर कहुची लेंचो कहिला वुमेन वुमेन मीन्स ये तार स्त्री को कहुची नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वर्तमान आम कि जल पाइबाकू जाऊे वास्तव में कि जल पाइबाकू जाऊे एंड दि वुमेन हु वाज प्रिपेरिंग सापर आउ वुमेन जनक जे कि रात्रि भोजन प्रस्तुत करुछंती रिप्लाएड उत्तर देले वुमेन जनक उत्तर देले येस गॉड विलिंग हाँ ये भगवान कर इच्छा रे ही सब किछि एंड द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वन्स वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर तार अर्थ हला द ओल्ड बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड ओल्डर बॉयज मीन्स के ना ये जो लेंचोर बड़ पुओ माने एमाने कौन करुथिले ना वेर वर्किंग इन द फील्ड समस्त क्षेत्र काम करुथिले व्हाइल स्मॉलर वन्स आउ छोटो माने कौन करुथिले सानो माने कौन करुथिले वेर प्लेइंग नियर द हाउस घर पाखरे खेलुथिले अंटिल द वुमेन कॉल टू देम जो पर्यंत अंटिल मीन्स जो पर्यंत डाकी नाहंती ए जो स्त्री लोक जनक कॉल टू देम से मानकु डाकी नाहंती कोथिपई कम फॉर डिनर जो पर्यंत रात्रि भोजन खाइबा पई मां डाकी नाहंती से पर्यंत ओल्डर बॉयज माने काम करथिले जमी रे आउ सान माने कोन करथिले खेलुथिले घर निकटरे इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट आउ ठीक सेतिक बेले मील प्रस्तुत हो जाइछि मिल समय रे जस्ट लेंचो हेड प्रेडिक्टेड एई लेंचो प्रेडिक्टेड करिथिला प्रेडिक्टेड मीन्स कौन जहाँ को आम कह फोरटेल द फ्यूचर भविष्यवाणी करिथिला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल जहाँ प्रेडिक्ट करिथिला लेंचो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगन टू फॉल बड़ बड़ वर्षा बुंदा पड़ा आरंभ होला इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आउ नॉर्थ ईस्ट रे उत्तर पूर्व दिगरे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बड़ बड़ मेघखंड देखा मिलला कुड बी सीन देखा मिलला एंड एप्रोचिंग दैट मीन्स आसुची तार अर्थ प्रबल मात्रा रे वर्षा आसीबार देखा गला
एंड द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। आउ आमे जानीचे बर्षा जेते बेले आसीबो ता पूर्व समय रे द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर टा पूरा फ्रेश हो गला, अति ठंडा लागिला देह को एंड स्वीट अति मधुर मध्य लागिला वायु। एंड द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तार अर्थ होला ना मैन वेंट आउट, ए जो मनुष्य जनक अर्थ लेंचो बाहरी गला बाहर को फॉर नो अदर रीजन, कारण नहीं केवल गोटे मात्र कारण, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, केवल ए जो अनुभव करिवो खुशी द रेन ऑन हिज बॉडी, ता शरीर रे टिके वर्षा बुंदा पड़िवो आउ तार आनंद नबो सेति सकासे से कौन कला ना बाहर को पळे गला। एंड व्हेन ही रिटर्न, आउ जेते बेले से पुणी आउथुर घर को आसिला ही एक्सक्लेम, से आश्चर्य हो गला विस्मित होई पड़िला, देर दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम दि स्काय। से तापर कहिबा आरंभ कला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, एडा को रेन ड्रॉप्स नुह, वर्षा गुड़ी को कहला ए जो वर्षा बुंदा गुड़ी को वर्षा बुंदा नुह, फॉलिंग फ्रॉम दि स्काय आकाश रु पड़ुथिबा जल गुड़ी को ये वर्षा बुंदा नुह, दे आर न्यू कॉइन्स आउ एगुड़ी को होची नुआ नुआ कॉइन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, कहला बड़ बड़ वर्षा बुंदा गुड़ी को होचंती 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वन्स आर फाइव्स आउ छोटो छोटो वर्षा बुंदा गुड़ी को होची 5 सेंट पीसेस।